Hey guys, welcome to my channel. In this video, we'll study predicate logic. Logic representation वाली video में मैंने आपको बताया था, there are two types of logic. First one is propositional logic and second one is predicate logic. Propositional logic we have already covered अपनी previous videos में. इस video में we'll start with predicate logic. Propositional logic और सारी related videos का links आपको description में मिल जाएगा. तो प्रोपोजिशन लॉजिक में हमने पढ़ा था कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी. तो ये उसकी एक तरह से लिमिटेशन है प्रोपोजिशन लॉजिक की. तो इसलिए हमने प्रेडिकेट लॉजिक बनाया. जो हम प्रोपोजिशनल लॉजिक से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्रेडिकेट लॉजिक से. फॉर एग्जाम्पल, सिम्बा लाइक्स ऑरेंज. ये स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल लॉजिक से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. वहां पे कैसी वाली स्टेटमेंट रिप्रेजेंट हो रही थी? इस टाइप की, ए एंड बी, ए और बी, ए इम्प्लाइज बी. इस टाइप की स्टेटमेंट रिप्रेजेंट होती थी जिनका आउटपुट या तो ट्रू आ रहा था या फिर फॉल्स आ रहा था, पर दोनों नहीं आ रहे थे इस केस में. बट इस केस में ये वाली जो स्टेटमेंट है, दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग प्रोपोजिशन लॉजिक. तो इसके लिए हम यूज करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक. प्रोपोजिशन लॉजिक की तो एक लिमिटेशन है, तो प्रेडिकेट लॉजिक रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है. विल सी इन अ मोमेंट दैट इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रेडिकेट लॉजिक से. But before that, let me tell you that what is predicate logic. So predicate logic can be said as the extension of propositional logic. जो हमने propositional logic पढ़ा था ये उसी का एक तरह से extension है. और इसका दूसरा नाम है FOPL. What is FOPL? It is first order predicate logic. या फिर आप सिर्फ इसको FOL भी बोल सकते हो, first order logic. And it includes concepts of, first one is predicates, इसमें दो terms involved है. Second one is quantifiers. अब ये दोनों चीजें होती हैं. अब देखो, predicate logic मैंने आपको बताया कि ये proposition logic का ही extension है, इसको हम FOPL भी बोलते हैं. और इसमें दो चीजें involved है, predicates और quantifiers. तो predicates क्या होता है? Predicate is a relation between two objects. एक एग्जाम्पल से समझते हैं, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक. तो प्रेडिकेट मैंने आपको बताया क्या होता है, रिलेशन, रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज सिम्बा एंड सेकेंड वन इज ऑरेंज. तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? लाइक्स का रिलेशन है. तो हाउ वी विल रिप्रेजेंट? वी विल राइट लाइक्स एंड द नेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, सिम्बा कॉमा ऑरेंज. तो यहाँ पे लाइक्स इज अ प्रेडिकेट विच लिंक्स सिम्बा एंड ऑरेंज. तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम? इसी की जनरल फॉर्म वी कैन राइट लाइक्स एंड द नेम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स. तो दिस इज प्रेडिकेट. प्रेडिकेट मतलब किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशन, उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे. अब बात करते हैं क्वांटिफायर्स की. ऑलराइट, सो प्रेडिकेट यू हैव अंडरस्टूड दैट इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स कौन से थे हमारे वाले केस में? सिम्बा एंड ऑरेंज. तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के स्कोप को डिफाइन करने के लिए वी यूज क्वांटिफायर्स. तो क्वांटिफायर्स इज यूज टू डिफाइन, इट डिफाइंस स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कोप हियर? स्कोप मींस रेंज. अभी हम देखते हैं स्कोप को, आप और अच्छे से समझो. स्कोप का मतलब है कि रेंज, वो ऑब्जेक्ट कितनी रेंज में यूज हो सकता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स. फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकेंड वन इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो लेट्स डिस्कस ईच क्वांटिफायर इन डिटेल. यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर ऑल ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक्स ऑब्जेक्ट का यूज किया, तो फॉर ऑल एक्स. इसको हम लिख सकते हैं फॉर ईच, फॉर ऑल, फॉर एवरी x. हमने x यूज किया है, इसका मतलब है फॉर ऑल x. हम सारे x की बात कर रहे हैं. फॉर ऑल x, जितने भी x ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑरेंजेस हैं. फॉर, अगर मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर ऑल ऑरेंज, तो मतलब मैं सारे ऑरेंजेस की बात कर रही हूँ, जितने भी ऑरेंजेस हैं. तो फॉर ऑल, या तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं फॉर ईच x, फॉर ऑल x, फॉर एवरी x, फॉर ईच ऑरेंज, फॉर ऑल ऑरेंज, फॉर एवरी ऑरेंज, कुछ भी आप बोल सकते हो इन तीनों में से. और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देयर एग्जिस्ट, दिस इज अ सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट. वाई? दिस इज अ सिंबल फॉर ऑल.
दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट. तो देयर एग्जिस्ट के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, या तो बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट वाई, या फिर बोल सकते हैं फॉर सम वाई, या फिर फॉर एटलीस्ट वन वाई, कम से कम एक ऑब्जेक्ट. वाई रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट, तो हम किसी एक ऑब्जेक्ट की बात करें, तो वाई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को डिनोट करे. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग मार्कर एज वाई, हम या तो बोल सकते हैं देयर एग्जिस्ट मार्कर, या फिर फॉर सम मार्कर. हम कुछ मार्कर की बात कर रहे हैं, सारे मार्कर्स की बात नहीं कर रहे हैं. तो हम बोलेंगे देयर एग्जिस्ट मार्कर फॉर सम मार्कर, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर एटलीस्ट वन मार्कर, कम से कम एक मार्कर की बात करें. बट अगर हमें सारे मार्कर्स को डिनोट करना होता तो वी विल यूज फॉर ऑल, फॉर एवरी मार्कर, फॉर ईच मार्कर, फॉर ऑल मार्कर. तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है. तो यूनिवर्सल का मतलब आपको समझ आ गया, दिस इज फॉर ऑल, दिस इज देयर एग्जिस्ट. ऑलराइट, तो बिटवीन यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट अ कनेक्शन, कनेक्शन बिटवीन फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट, दैट मीन्स यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फॉर ऑल एक्स, जो हमने अभी एग्जाम्पल लिया था सिम्बा लाइक्स ऑरेंज वाला. तो यहाँ पे एक्स सिम्बा की जगह मैंने एक्स ले लिया. तो फॉर ऑल एक्स लाइक्स एक्स कॉमा ऑरेंज, इसका मतलब है कि एक्स लाइक्स ऑरेंज, सारे एक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं. सारे एक्स को क्या पसंद है? ऑरेंज. सारे सिम्बा को क्या पसंद है? ऑरेंज. तो यहाँ पे हम एक्स का यूज कर रहे हैं. फॉर ऑल एक्स लाइक्स ऑरेंज, दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको देयर एग्जिस्ट की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? नॉट ऑफ देयर एग्जिस्ट एक्स, नॉट ऑफ लाइक्स एक्स कॉमा ऑरेंज. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप फॉर ऑल को जब देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करोगे तो यू विल अप्लाई नॉट बिटवीन ईच टर्म. अगर एक्स की बात हो रही है तो एक्स के आगे फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट करके यू विल अप्लाई नॉट, लाइक्स की जगह नॉट. तो अगर आप इन दोनों को देखोगे तो इनका मीनिंग एकदम एग्जैक्ट सेम बन रहा है. ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है. अगर आपको अभी कन्वर्जन में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, उससे आपको और क्लियर होगा कि प्रेडिकेट लॉजिक को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज क्वांटिफायर्स. एक बार मैं आपको समझा देती हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट, देन वी विल मूव ऑन टू द एग्जाम्पल. तो अगर मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, फॉर ऑल एक्स नॉट लाइक्स एक्स कॉमा ऑरेंज, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस इज इक्विवेलेंट टू, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? देयर एग्जिस्ट में कन्वर्ट करना है, आप नॉट लगा दोगे. नॉट के आगे नॉट लगाओगे, नॉट ऑफ ए, हमने पढ़ा था क्या होता है ए, तो यहाँ पे नॉट ऑफ लाइक्स हो जाएगा सिर्फ लाइक्स एक्स कॉमा ऑरेंज. यू विल राइट लाइक दिस. तो दीज टू आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. तो जो हम एग्जाम्पल अभी डिस्कस करेंगे प्रेडिकेट लॉजिक का, हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स लेंगे, उनको हम प्रेडिकेट लॉजिक में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटिफायर्स. तो इन क्वांटिफायर्स को मैंने आपको बताया था, ये स्कोप डिफाइन करते हैं. तो स्कोप के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि एग्जांपल को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उनको स्कोप्स को यूज करोगे, कैसे क्वांटिफायर्स को यूज करोगे, कैसे प्रेडिकेट्स को अप्लाई करोगे. तो इसलिए मैं आपको ये सब करवा रही हूँ. प्रेडिकेट्स हमने डिस्कस कर लिया, क्वांटिफायर्स हमने डिस्कस कर लिए, इन दोनों के बीच में हमने कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करना सीख लिया. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ स्कोप्स. ऑलराइट, सो बिफोर मूविंग ऑन टू द रेंज, या फिर जिसको हम स्कोप भी बोलते हैं, ऑफ वेरिएबल्स, हम एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या किया है. हमने अभी तक प्रेडिकेट समझ लिया, प्रेडिकेट क्या डिफाइन करता है? रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. हमने क्वांटिफाई समझ लिया, वो क्या डिफाइन करता है? इट डिफाइंस रेंज और स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब ऑब्जेक्ट. प्रेडिकेट रिलेशन डिफाइन करता है, क्वांटिफाई स्कोप डिफाइन करता है टू वेरिएबल्स के बीच में. क्वांटिफायर्स, वी हैव सीन दैट क्वांटिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन वाज यूनिवर्सल क्वांटिफायर, सेकंड वन वाज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. लाइकवाइज वी हैव रेंज ऑफ स्कोप विच इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज बाउंड वेरिएबल. ऑपोजिट ऑफ बाउंड इज फ्री, फ्री वेरिएबल इज द सेकेंड टाइप. लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. बाउंड वेरिएबल क्या होता है? बाउंड वेरिएबल में हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. मैंने लिखा यहाँ पे फॉर ऑल एक्स ए एक्स इम्प्लाइज बी एक्स. ये हमने कंडीशनल लॉजिक में पढ़ा था कि ए इम्प्लाइज बी, दिस इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट. तो यहाँ पे हमने फॉर ऑल एक्स को यूज किया, मतलब एक्स के बारे में हम उसका स्कोप डिफाइन कर रहे हैं, हम मतलब सारे एक्स की बात कर रहे हैं. तो ये एक्स फॉर ऑल एक्स हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है, दैट मीन्स ये फॉर ऑल एक्स इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है. दैट मीन्स फॉर ऑल इस पूरी स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है, ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रही हूँ अभी.
इस पूरी स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉर ऑल क्वांटिफायर, फॉर ऑल क्वांटिफायर की रेंज क्या है, दिस इज द रेंज, बिकॉज ये हम पूरे ब्रैकेट के बाहर डिफाइन कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं हम, और जो डिफाइन किया हुआ है ब्रैकेट के बाहर, तो दिस इज द रेंज ऑफ फॉर ऑल। तो ये वेरिएबल एक्स बाउंड वेरिएबल क्यों बोले हम, बिकॉज कोई भी चेंज हम एक्स में करेंगे वो ए एक्स को भी इफेक्ट करेगा और बी एक्स को भी इफेक्ट करेगा, तो इसलिए एक्स इज अ बाउंड वेरिएबल। सिमिलरली फ्री वेरिएबल को कैसे बोल सकते हैं हम, आई एम राइटिंग फॉर ऑल एक्स देयर एग्जिस्ट वाई एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। यहाँ पे आप देखोगे हमने एक्स को डिफाइन कर दिया, एक्स का स्कोप हमने फॉर ऑल लिया है, वाई का स्कोप हमने देयर एग्जिस्ट लिया है, बट जेड को हमने डिफाइन नहीं किया। सो जेड में कोई भी चेंज हो एक्स और वाई में, इट डज नॉट इफेक्ट द वेरिएबल जेड, तो जेड यहाँ पे क्या है, फ्री वेरिएबल। तो किसी भी वेरिएबल को हम फ्री वेरिएबल कब बोलेंगे, अ वेरिएबल इज सेड एज फ्री इफ इट्स अकरेंस इज फ्री, तो यहाँ पे इसकी अकरेंस फ्री है। आई होप दीज स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक। ऑल राइट, सो आई हैव रिटन फाइव स्टेटमेंट्स हियर, इन फाइव स्टेटमेंट्स को वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन प्रेडिकेट लॉजिक। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बेसिक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर कन्वर्टिंग दीज स्टेटमेंट्स इन प्रेडिकेट लॉजिक, व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इज कि यहाँ पर कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा क्वांटिफायर है, कौन से वेरिएबल का स्कोप यूज हो रहा है, फ्री वेरिएबल है या बाउंड वेरिएबल है। अभी ये बेसिक स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे आपको फ्री या बाउंड वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, ब्रेड इज अ फूड। इस स्टेटमेंट को देखते ही पता चल रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ब्रेड। तो मैंने आपको बताया था जैसे लाइक्स हमने लिखा था, लाइक्स सिम्बा कॉमा ऑरेंज, तो यहाँ पे ऐसे ही हम लिखेंगे फूड ब्रेड, क्योंकि फूड रिलेशन है और ब्रेड क्या है, वेरिएबल, तो फूड इज अ प्रेडिकेट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी मैंगो इज अ फूड है, तो यहाँ पे आ जाएगा फूड ब्रैकेट में मैंगो। नेक्स्ट देखो, नेहा ईट्स बर्गर, यहाँ पे प्रेडिकेट साफ पता चल रहा है ईट्स है। देर आर टू वेरिएबल्स यहाँ पे, फर्स्ट वन इज नेहा एंड नेक्स्ट वन इज बर्गर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईट्स नेहा कॉमा बर्गर। नेक्स्ट वन, एनीथिंग एनीवन ईट्स इज कॉल्ड फूड, तो एनीथिंग एनीवन ईट्स, यहां तक देखो ईट्स यहाँ पे हमें पता चल रहा है, तो हमने लिखा यहाँ पे ईट्स। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एनीथिंग एनीवन के लिए हमें कोई नेम नहीं दे रखा, हम अपने आप ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, उसको हम क्या बोलेंगे, फूड। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो कुछ जो भी खाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जो चीज वो खाएगा, फूड। तो यहाँ पे हम फॉर ऑल यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम सारे एक्स की बात कर रहे हैं और सारे वाई की बात कर रहे हैं, तो फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई ईट्स एक्स कॉमा वाई फूड वाई, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और वन मोर थिंग हियर जो हम नेक्स्ट वीडियो में यूज करने वाले हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में भी बता रही हूँ, ए इम्प्लाइज बी हमने पढ़ा था प्रोपोजिशनल लॉजिक में, ए इम्प्लाइज बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉट ऑफ ए और बी, राइट। तो ए इम्प्लाइज बी को हम ऐसे लिख पा रहे हैं, तो ये हम क्या इम्प्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इम्प्लाइज स्टेटमेंट यूज किया है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई नॉट ऑफ ए लगाना है, नॉट ऑफ ईट्स एक्स कॉमा वाई और सिंबल लगा देंगे फूड, मैं लिख के दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी आप ये समझो बस कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में व्हाइल वर्किंग विद रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज मिली लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, फूड की बात हो रही है बट ऑल काइंड, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल, हमने फूड को वाई से रिप्रेजेंट किया, फॉर ऑल वाई, फूड के बारे में बात कर रहे हैं हम, फूड कौन से, सारे काइंड ऑफ फूड, तो सारे काइंड ऑफ फूड का वेरिएबल का स्कोप हमें डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर ऑल वाई फूड कौन लाइक कर रहा है, लाइक्स मिली, मिली लाइक्स व्हाट, मिली लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, और फूड को हमने क्या ऐसे रिप्रेजेंट किया, वाई से, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, टिल नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज प्रेडिकेट, व्हाट इज क्वांटिफायर, व्हाट इज प्रेडिकेट लॉजिक, how to represent statements in predicate logic, we have also studied the types of quantifiers, types of variables. So I hope you have found this video as informative. Thanks for watching, see you in the next video, bye for now.